जी हाँ दोस्तों, इस बार बिग बॉस में सीक्रेट रूम खुलने वाला है। पहला बिग बॉस का सीक्रेट रूम इस हफ्ते खुलेगा ऐसा सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मांजरा क्या है बता देते हैं। दोस्तों इस बार बिग बॉस में नॉमिनेशन हुआ था, नॉमिनेशन में तीन लोगों का नाम सामने आए हैं, एक सुम्बुल तौकीर खान, दूसरा अर्चना और सौंदर्या, ये तीन नॉमिनेटेड है। लेकिन दोस्तों इस बार बिग बॉस ने पहले दिन तो नॉमिनेशन के वोटिंग लाइन ओपन किया था, लेकिन दूसरे दिन वोटिंग लाइन बंद है और बीच बीच में वो लोग दिखा भी रहे थे कि वोटिंग लाइन बंद है, आप लोग वोट मत कीजिए। तो इस बार वोटिंग भी नहीं है, एलिमिनेशन भी नहीं है। तो इस बार क्या है दोस्तों, इस बार बिग बॉस वही सीक्रेट रूम वाला किस्सा ला रहे हैं। तो इस बार पहले सीक्रेट रूम में जाने वाले तीन कॉन्टेस्टेंट होंगे। तो इस बार वीकेंड के वार में जो होगा, ये तीन कॉन्टेस्टेंट को बिग बॉस के घर से बेघर किया जाएगा एक साथ, और उन लोगों को बिग बॉस के सीक्रेट रूम में डाला जा सकता है। ये जो न्यूज है ये सामने आ रहा है बिग बॉस के इनसाइडर से। और सीक्रेट रूम में जाएंगे तो अर्चना, सुम्बुल और सौंदर्या तीनों के ही विजन जो है वो क्लियर हो सकता है। लेकिन बिग बॉस ये सुम्बुल के पीछे लगे हुए हैं, उनके पिताजी को लाए हैं सलमान खान, करण जौहर सभी से कलवा रहे हैं। बिग बॉस भी कह रहे हैं कि सुम्बुल तुम चेंज हो, वो जो चेंज नहीं होगा भी सीक्रेट रूम में भेजा जाएगा। इसके बाद बिग बॉस की फिनाले तक उनको लेकर यही कहा जाएगा तुम चेंज हो। अरे भाई इतना क्या है दोस्तों, आपको क्या लगता है सीक्रेट रूम का ये काम होगा तो अच्छा होगा या नहीं, या फिर सीक्रेट रूम को और किसी को भेजना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके टिकट में कमेंट का।